हे गाइस, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने चेंसा मशीन के पार्ट ओपन करना बताया था कि कौन सा पार्ट आपको कैसे खोलना होता है, और आपको ये भी बताया था कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके मशीन का क्रैंक खराब है या वायरिंग खराब है। आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ जाके देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आपकी चेसी रहती है, इसको आपकी जो पैकिंग होती है, जो पैकिंग लगती है, पैकिंग अगर आपको नहीं मिल रही है तो आपको जो एना बाउंड आता है, रेसी बाउंड आता है, मैं यूज रेसी बाउंड कर रहा हूँ, इसको आपको चेसी की बॉडी में लगा देना है, जहाँ पे आपकी पैकिंग जो होती है, पैकिंग का काम करता है, जो आपकी पैकिंग अगर आपको नहीं मिल रही है तो एना बाउंड या रेसी बाउंड आपको ट्रैक्टर पार्ट की शॉप पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से लेके आप इसको अच्छे से लगा दें, सही से दोनों में आपको लगाना है, जो आपके चेसी के दो पार्ट होते हैं दोनों पार्टों में आपको सही से लगा देना है। बॉन्ड लगाने के बाद आपको बैरिंग लेना है, जो कि आपकी क्रैंक में साइड में लगेंगी और जो आपकी चेसी है उसमें यहाँ पे सेट होंगी जाके। तो इसका साइज होता है 6502 बैरिंग का साइज है, और दो बैरिंग पड़ती हैं, दोनों के जो रबड़ होते हैं इसमें जो काली रबड़ लगी होती है इसको आपको निकाल देना है, दोनों तरफ की निकाल देना है। निकालने के बाद आपको एक इस चेसी में लगा देनी है, इस पार्ट में दो पार्ट होते हैं जैसे कि इसमें फिट कर देना है आपको। आपकी बैरिंग फिट हो गई, और इसमें भी आपको एक बैरिंग सेट कर देनी है। सेट करने के बाद आपको क्रैंक लेना है, और क्रैंक को आपको देखना है कि आपके जो मत्थे होते हैं वो आपका ऑयल पंप की तरफ जो मत्था होगा वो आपका इस तरह का मत्था होगा, और जो फ्लाई व्हील होता है उस तरह का जो मत्था होगा उसमें जो की बनी होगी ये आप देख पा रहे होंगे, तो ये आपका फ्लाई व्हील की तरफ होगा, इसलिए इसको आप देख लें और उसके बाद आप इसको लगाएं। आप इधर देख पा रहे होंगे इस साइड मेरी ऑयल पंप लगती है और क्लच सारा कुछ इस तरफ लगता है, इसलिए हमको ये जो क्रैंक का ये पार्ट है इस साइड में लगेगा, तो हमको यहाँ पे इसको इस साइड में बैठा देना है। ये आपका बैठ गया, और उसके बाद जो आपका दूसरा पार्ट होता है जेसी का उसको भी आपको बैठा देना है, और आपको ये देखना ये जो आपका क्रैम रॉड होता है ये आपका ऊपर रहे, ये बैठ गया। तो इसके बैठने के बाद आपको जो इसमें आप स्क्रू लगे रहे होते हैं, आपको बताए थे पिछले वीडियो में 1 2 3 4 और 5, ये 5 स्क्रू लंबे होते हैं, और इनको आपको
लगाना है, जो इसमें लगे होते हैं वही लगाना है, वही साइज की लगाना है, छोटे नहीं लगाना है ना बड़े ही लगाना है। जो कि ये आप देख पा रहे हैं कि ये इसके स्क्रू हैं, जो कि 5 स्क्रू लगते हैं, एक यहाँ पे लगेगा और दूसरा यहाँ पे लगेगा और तीसरा यहाँ पे लगेगा, चौथा बाहर की तरफ लगेगा और ये पांचवा बाहर की तरफ लगेगा। और एक बात आप स्क्रू ध्यान दें कि फ्लाई व्हील की तरफ से ही लगेंगे, दूसरी तरफ से नहीं लगेंगे। यहाँ से आपके फ्लाई व्हील जो स्क्रू होते हैं बॉडी के, यहाँ से मत लगाएं, इधर भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे छेद है, लेकिन यहाँ से ना लगाएं, इधर ही से लगाएं। तो हम इसको टाइट कर लेते हैं। इसकी ऑयल सेल पैकिंग होती हैं, उनको आपको लगा देना है। ये जो बड़ी साइज की पैकिंग होती है वो आपको फ्लाई व्हील के नीचे लगेगी, तो इसको आपको फ्लाई व्हील के नीचे लगा देना है, बड़ी पैकिंग को प्रॉपर तरीके से बैठा देना है। और इसको बैठाने के बाद दूसरी तरफ भी आपको छोटी वाली जो आपके ऑयल पंप होते हैं वो साइड में आपको छोटी वाली ऑयल से पैकिंग डालना है, इसको भी आप प्रॉपर तरीके से बैठा देना है। पैकिंग को बैठाने के बाद आपको फिर से इसकी जो आप बॉडी स्क्रू है इनको अच्छे से टाइट कर देना है, और उसके बाद जो है आपको जो फ्यूल टैंक होता है उसको आपको चेंसी में सेट कर देना है। और आपको ये भी देख लेना है साथ साथ में कि आपके जो शॉकर है वो शॉकर सही है कि ख़राब हो गए हैं, अगर शॉकर ख़राब हो गए तो साथ साथ में वो भी आप चेंज कर लें। तो इसके सारे शॉकर अभी सही हैं तो मैं शॉकर नहीं चेंज कर रहा हूँ, और फ्यूल टैंक को मैं अटैच कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे जो इसके वायर हैं वो सारे आपको निकाल लेना है और इसको सही से आपको बैठा देना है। और आपको ये जो इसकी लिटर रॉड है इसको भी आपको बाहर निकाल लेना है, और उसके बाद जो इसकी रबड़ होती है इसको आपको, इससे आपको वायर पाइप जो होती है सारा निकाल लेना है। उसके बाद आपको इसकी लेटर जो रॉड होती है उसको भी आपको निकाल लेना है, आपको रबड़ को सही से प्रॉपर तरीके से बैठा देना है। उसके बाद जो आपका एक वायर इंग्लिश में लगता है और एक आपका बॉडी में लगता है, तो बॉडी वाला मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इसको लगाने के बाद आपको शॉकर के स्क्रू लगा देने हैं, जौन सा स्क्रू आप जो भी स्क्रू जहाँ से खोले थे उसको वहीं पे लगाएं।
अच्छे तरीके से टाइट कर दिया हूँ स्क्रू जो लगे हैं जो लगाए हैं। आपको सारे चौकर के स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देना है। उसके बाद जो आपके चौकर के ऊपर जो लॉक होता है ये जो रबड़ में लगता है ऊपर साइड में, इसको आपको लगा देना है। इसको लगाने के लिए बस हल्का सा पेंचकस से पुश करेंगे और आपका जो लॉक है लग जाएगा। इसी तरह इसके पांच लॉक होंगे जो कि पांच चौकर में लगेंगे, दो इस साइड में लगेंगे और दो आपके फ्लाई व्हील साइड में, तीन लग जाएंगे। हमने देखा मैंने चौकर लॉक को लगा दिया। उसके बाद आपको जो ऑयल सील पैकिंग होती है उसके ऊपर जो प्लेट आती है, पत्ती आती है, इसको कवर करने के लिए ताकि आपका जो सील है वो बाहर ना आए, तो इसको आपको लगा देना है पत्ती को। और लगाने के बाद पत्ती को अच्छे से टाइट कर देना है। पत्ती को टाइट करने के बाद आपको फ्लाई व्हील को लगाना है। फ्लाई व्हील लॉक होता है, ये लॉक आपका जो क्रैंक में लॉक का कट दिख रहा होगा आपको, इसी कट में आपको लॉक को लगा देना है और अच्छे से इसको बैठा देना है। बैठाने के बाद आपको जो आपका देख पा रहे होंगे फ्लाई व्हील में खांचा बना हुआ है जिसमें कि आपकी जो की है वो इसी खांचे में जाके फंसती है, तो आपको जो खांचे बने हैं उसी के सामने आप की के सामने इसको लगा दें। लगाने के बाद इसको आपको अच्छे से बैठा देना है फ्लाई व्हील को ताकि जो लॉक है वो सही से लग जाए। ऊपर से इसमें जो है हल्का हल्का दाब मार दें। आपका जो नट होता है जो इसका, उसको आपको अच्छे से टाइट कर देना है। फ्लाई व्हील को अच्छे से टाइट कर लें, ढीला ना रह पाए, नहीं तो आपका क्रैंक खराब कर सकता है, इसलिए सही तरीके से इसको टाइट कर दें। और टाइट करने के बाद आपको इसका ऑयल पंप लगाना है। ऑयल पंप को सही से लगाएं। इस साइड में पैकिंग के लिए कोई पत्ती नहीं लगती है, जो आपका पुली होता है उसी के नीचे आपकी जो सील पैक हो पैकिंग होती है वो इसी के नीचे दबी होती है, इसलिए इधर कोई पत्ती इसके ऊपर से नहीं लगती है। तो आपको ऑयल पंप को जो स्क्रू है उनको लगा देना है। जो ऑयल पंप के स्क्रू होते हैं वो थोड़ा लंबे होते हैं और 3 mm के एलंकी इसमें लगती है। पंप को लगाने के बाद इसका जो कवर होता है कवर को आपको लगा देना है। कवर के 3 स्क्रू आते हैं, तीनों को लगा देना है। जो इसके स्क्रू होते हैं वो छोटे होते हैं, तो याद रहे कि आपके जो स्क्रू हैं वहीं पे लगाए, जहाँ का स्क्रू है
ये तीन स्क्रू को हम टाइट कर लेते हैं। देखा कि मैंने क्रैंक डालना आपको बताया हूँ कि आपको क्रैंक को कैसे सेट करते हैं और कैसे उसको बांधते हैं। तो जो आप इसका मेन पार्ट बचा है वो उसका सिलेंडर पिस्टन और कार्बोरेटर है। इसको मैं अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि पिस्टन सिलेंडर और कार्बोरेटर को कैसे सेट करते हैं और कैसे इसके पार्ट को असेंबल करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।